हेलो फ्रेंड्स, इंस्टेंट काढ़ा पाउडर हम घर में इजीली बना सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव है, स्पेशली उन टाइम में जब आपको फ्लू जैसे सिम्टम हो, जैसे कफ हो या कोल्ड हो। आप इसे अपने घर में बनाइए और देखिए, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को काफी बूस्टअप भी कर देती है। तो चलिए देखते हैं इस इंस्टेंट काढ़ा पाउडर को हम घर में कैसे बना सकते हैं। तो काढ़े के लिए हमें चाहिए कुछ सॉल्ट। ये सॉल्ट मेरे पास खड़े हैं, आप चाहो तो पाउडर भी डाल सकते हो। ये गिलोई है, सूखा गिलोई, इसका पाउडर मिलता है वो भी डाल सकते हो। काली मिर्च है, ये दालचीनी, लौंग, तेज पत्ते, सौंफ, अजवाइन, जीरा और कलौंजी, इन सबको हम तैयार कर लेते हैं मिश्रण के लिए। सॉल्ट, गिलोई और दालचीनी, क्योंकि मेरे पास कड़क हैं तो इनको मुझे थोड़ा क्रश करना पड़ेगा, अदरवाइज मिक्सर में ये बहुत मुश्किल से ही पिसते हैं। तो इस तरीके से मैंने खलबट्टे की सहायता से पीस लिया है। देखिए, इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से है। अब मैं इन सारी चीज़ों को एक मिक्सर जार में डाल दूंगी और इनको पीस लूंगी। ये सारे वही मिक्सर हैं जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे। तो इस ग्राइंडर जार में मैंने कुछ तेज पत्ते भी तोड़ लिए हैं अच्छे से और अब मैं इनको अच्छे से पीस लूँगी। तो दोस्तों, अगर आप पीस लोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इस पाउडर में हम थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे एक चम्मच और ये हमारा काढ़ा हो गया है रेडी। ये इंस्टेंट काढ़ा पाउडर है, इसको आप डेली यूज़ कीजिए सुबह शाम। यहाँ देखिए, एक पैन लिया है मैंने और इसमें एक ग्लास मैंने पानी डाल दिया है और साथ ही ये इंस्टेंट काढ़ा पाउडर एक चम्मच डाल के मैं इसको बॉयल ले लूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बॉयल हो गया है और अब मैं इसमें थोड़ा जैगरी डाली हुई यानी गुड़ डाल दिया है, इससे थोड़ा मीठापन आ जाता है। आप इसको छान लीजिए 5 मिनट होने के बाद में और इस तरीके से आपका काढ़ा हो गया रेडी। आप इसे सुबह शाम पीजिए। मैं तो इसको सुबह और रात में सोने से पहले ज़रूर पीती हूँ। तो इस पाउडर को आप रख लीजिए अपने किसी कंटेनर में जिसमें एयर टाइट हो और ये आराम से आपके हफ्तों भर चल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।